ज्योति मौर्य के मामले में आया नया मोड़। पति आलोक के खुलासे के बाद उतर जाएगी आशिकी। खतरे में पड़ी कमांडेंट मनीष दुबे की नौकरी। अफेयर के बाद नौकरी पर लटकी तलवार। सीएम योगी तक जा पहुंची पूरी बात। फौरन लिया गया एक्शन, जारी है जांच। बीते दिनों देश में एक नाम काफी चर्चा में आया है, वो है एसडीएम ज्योति मौर्य। वही ये महिला है जिन्होंने एक प्रतिष्ठित पद को पाने के बाद अपने पति को छोड़ दिया और अपने आशिक का हाथ थाम लिया। वहीं दूसरी तरफ पति दर दर की ठोकरें खाता रहा, लोगों से गुहार लगाता रहा और अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़पता रहा। जब उसकी किसी ने ना सुनी तब सीधे जा पहुंचा प्रशासन के पास। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हुए अब ये खबर पहुँची है सीएम योगी के दरबार। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है 2010 में, जहां प्रयागराज के थूमनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले आलोक मौर्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य से शादी करते हैं। शादी करने के बाद पति को पता चलता है कि ज्योति यानी उनकी पत्नी आगे पढ़ाई करना चाहती है। आलोक मौर्य जिम्मेदारी उठाते हैं और उसका साथ देते हुए कहते हैं, तुम पढ़ो, मैं मेहनत करके तुम्हें पढ़ाऊंगा। ज्योति मौर्य लग जाती है अपने सिविल सेवा की तैयारी में। सालों बाद 2016 में यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस की परीक्षा में ज्योति मौर्य पास भी हो जाती है, लेकिन उनकी रैंक 16वीं रहती है। इसके बाद ज्योति का चयन एसडीएम के पद पर होता है। जैसे ही ज्योति मौर्य एसडीएम बन जाती है, उसके बाद उनके अफेयर का पता पति को लगता है। सारे सच आने के बाद पति पत्नी के बीच काफी विवाद बढ़ जाता है। नौबत ये तक आ जाती है कि बच्ची से मिलने के लिए उसके पिता आलोक को रोका जाता है। ज्योति मौर्य का कहना है कि मैं अब एक प्रतिष्ठित और ऊंचे पद पर हूँ, तुम्हारे जैसे झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति के साथ कैसे रह सकती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। पढ़ा लिखा कर अपनी पत्नी को अधिकारी बना देना कोई आसान काम नहीं है। अगर आपको फिल्म सूर्यवंशम याद होगी तो हीरा ठाकुर ने भी ठीक इसी तरह अपने पत्नी को पढ़ाया और अफसर बनाया था। लेकिन अब जमाना वो नहीं रहा, बल्कि दौर पूरा बदल चुका है। ये दुनिया अब नेकी कर दरिया में डाल पर चलती है। बेचारा पति लगातार कागजों को लिए इधर उधर दौड़ रहा है, दफ्तर के चक्कर काट रहा है, आंसू बहा रहा है। जब कहीं से न्याय नहीं मिला तो जा पहुंचा मुख्यमंत्री दरबार में अर्जी लगा। दरअसल मुख्यमंत्री दरबार से मामले की जांच के निर्देश मिले हैं, जिसके बाद होमगार्ड मुख्यालय ने प्रयागराज में तैनात डीआईजी को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जांच की रिपोर्ट इसी सप्ताह आनी थी, लेकिन मनीष सहित कई जिला कमांडेंट के तबादले की वजह से अब स्थिति में थोड़ा बदलाव आया है। अब इस रिपोर्ट को अगले सप्ताह जारी किया जाएगा। मामले पर डीजीपी ने कहा कि रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, रिपोर्ट जांच होने के बाद आएगी, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करके भेजा जाए। अब देखना होगा कि एसडीएम ज्योति मौर्य, मनीष दुबे और आलोक मौर्य के इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आता है, क्या न्याय मिल पाएगा या नहीं।